गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज का अपना टॉपिक है आई वी केनूला. आज हम स्टडी करेंगे आई वी के बारे में आज हम देखेंगे जो आई वी है वो कितने टाइप्स का होता है कलर कोडिंग देखेंगे यानी कि जो आई वी है वो कितने कलर्स का होता है कैनुला का साइज कितना होता है यानी कि कैनुला का गेज कितना होता है कैनोला का डाया कितना होता है कैनोला की लेंथ कितनी होती है कैनोला का फ्लोरेट कितना होता है और कैनोला का हम जो यूज़ कहाँ कहाँ पर लेते हैं और आज हम आपको एक आसान ट्रिक बताएंगे जिसके द्वारा आप कैनोला का जो कलर कोडिंग है वो इजीली है लर्न कर सकते हैं तो बने रहिए हमारी आज की वीडियो आई वी कैनोला पर वट इज आई वी कैनोला ए आई वी कैनोला इज ए फ्लेक्सीबल टीव डेट कैन बी इंसर्टेड इन द बॉडी फॉर मेडिकल यूज़ लाइक गिवन मेडिकेशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन गैदरिंग सैम्पल जो आई वी कैनोला होता है एक फ्लैक्सीबल ट्यूब होती है जिसे इंसर्ट कराया जाता है ह्यूमन बॉडी की वेंस के अंदर और जो कैनोला है उसका यूज़ करते हैं मेडिकेशन प्रोवाइड करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए और जो सैंपल है वो कलेक्ट करने के लिए नेक्स्ट देखते हैं मिनिमम गेज जितना कैनोला का कम गेज होगा उतना ही मैक्सिमम फ्लो रेट होगा उसके अंदर से जो मेडिकेशन है वो ज़्यादा है अमाउंट में बॉडी के अंदर सप्लाई होगी मिनिमम गेज होगा तो उसका मैक्सिमम डायमीटर होगा जैसे कि मान लो उसका ल्यूमन होगा वो ज़्यादा होगा इसका वाइस वर्षा कर ले जैसे जैसे मैक्सिमम गेज मैक्सिमम गेज होगा तो मिनिमम फ्लो रेट होगा मैक्सिमम गेज होगा तो मिनिमम डाया होगा और कलर कोडिंग को याद करने के लिए एक आसान ट्रिक है जो हमने बनाई है जैसे कि एक लाइन आपको याद रखनी है जैसे कि ओ जी वो घर पुलिस बाबू योगेश वर्मा या पांडे जी का है तो इससे आप जो इजीली है लर्न कर सकते हैं जैसे कि ओ से ऑरेंज आ जाएगा जी से आ जाएगा ग्रे वो से आ जाएगा वाइट घर से आ जाएगा ग्रीन पुलिस से आ जाएगा पिंक बाबू से आ जाएगा ब्लू योगेश से आएगा येलो पांडे से आएगा पर्पल और वर्मा से आएगा वॉयलेट तो नेक्स्ट देखते हैं ऑरेंज कैनोला फर्स्ट होता है उसका गेज यानी कि गेज नंबर कितना होता है फोर्टीन गेज लेंथ होती है फोर्टी फाइव एम एम लेंथ जो बॉडी के अंदर इंसर्ट कराया जाता है जो पार्ट यानी कि जो कैथेटर उसे जो कैथेटर बोलते हैं जो इंसर्ट कराया जाता है बॉडी के अंदर उसकी लेंथ होती है फोर्टी फाइव एम mm। एम एक्सटर्नल डायमीटर जो इस कैथेटर का डायामीटर होता है यानी कि ल्यूमन से ऊपर जो होता है उससे हम जो फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है वो होता है इसका एक्सटर्नल डायामीटर, जो होता है टू पॉइंट वन एम एम फ्लो रेट होता है जितनी मेडिकेशन इसके अंदर से फ्लो ट्रांसफ्यूज होगी बॉडी के अंदर एक मिनट के अंदर वो होती है टू हंड्रेड फोर्टी एम 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 एल पर मिनट इसका यूज़ कहाँ पे लेते हैं रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर लेते हैं रैपिड फ्लूड सप्लाई के, के अंदर लेते हैं या रिप्लेसमेंट के अंदर लेते हैं ट्रोमा एंड मेजर सर्जरीज के अंदर है जो हम ऑरेंज कैनुला का हम यूज़ लेते हैं नेक्स्ट है ग्रे कैनुला गेज होता है इसका सिक्सटीन गेज लेंथ होती है फोर्टी फाइव एम एम एक्सटर्नल डायमीटर होता है वन पॉइंट एट एम एम फ्लोर होता है इसका वन हंड्रेड एट्टी एम एल पर मिनट यूज़ होता है ट्रोमा एंड मेजर सर्जरीज के अंदर रैपिड फ्लोड रिप्लेसमेंट के अंदर रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर नेक्स्ट है वाइट कैनुला वाइट कैनुला का गेज होता है सेवनटीन गेज लेंथ होती है फोर्टी फाइव एम एम एक्सटर्नल डायमीटर होता है वन पॉइंट सेवन एम एम फ्लो रेट होता है वन हंड्रेड एंड टू एम एल पर मिनट यूज़ कहाँ पे लेते हैं गिवन मेडिकेशंस यानी कि जो मेडिकेशन है वो प्रोवाइड कराने के लिए ट्रोमा में मेजर सर्जरीज के अंदर एंड रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रैपिड फ्लूड रिप्लेसमेंट के अंदर हम जो वाइट कैनूला का यूज लेते हैं नेक्स्ट है ग्रीन कैनूला। ग्रीन कैनूला का जो गेज नंबर होता है वो होता है एटीन लेंथ होती है फोर्टी फाइव एम एम एक्सटर्नल डायमीटर होता है वन पॉइंट थ्री एम एम फ्लो रेट होता है नाइन्टी एम एल पर मिनट यूज लेते हैं गिवन मेडि मेडिकेशन या मेडिसिन ट्रोमा एंड मेजर सर्जरी रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्लूड रिप्लेसमेंट के अंदर हम जो ग्रीन कैनोला का यूज़ लेते हैं नेक्स्ट है पिंक कैनोला गेज नंबर होता है ट्वेंटी लेंथ होती है ट्वेंटी टू एम एम एक्सटर्नल डायामीटर होता है वन पॉइंट वन एम एम फ्लो रेट होता है सिक्सटी एम एल पर मिनट जो हमें यूज़ लेते हैं पिंक कैनोला का वो लेते हैं आई वी इन्फ्यूज़न के लिए मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कॉमनली यूज स्माल वेंस के अंदर जो कैनूला हम जो पिंक कैनोला का यूज़ लेते हैं मोस्ट कॉमनली हम जो ग्रीन कैनोला और पिंक कैनोला का ही हम यूज़ करते हैं ब्लू कैनोला ब्लू कैनोला का जो गेज नंबर होता है वो ट्वेंटी टू गेज़ होता है लेंथ होती है इसकी ट्वेंटी फाइव एम एम एक्सटर्नल डायमीटर होता है ज़ीरो पॉइंट नाइन एम एम फ्लो रेट होता है थर्टी सिक्स एम एल पर मिनट जो हम यूज़ करते हैं ब्लू कैनोला का वो करते हैं आई वी इन्फ्यूजन इन चाइल्ड्स के अंदर जो हम ब्लू कैनोला का यूज़ करते हैं हम बच्चों के अंदर करते हैं यूज़ इन द टाइम ऑफ चाइल्ड सर्जरी जब बच्चे की सर्जरी होती है उसमें यूज़ लेते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन चाइल्ड जब ट्रांसफ्यूजन कराते हैं ब्लड को बच्चे के अंदर चढ़ाते हैं तो भी हमें जो ब्लू कैनुला का यूज़ लेते हैं गिवन आई वी फ्लोड एंड मॉडरेट फ्लोरेट, यानी कि मॉडरेट फ्लोरेट के अंदर जब हम मेडिकेशन को प्रोवाइड कराना होता है तो भी हम ब्लू कैनुला का यूज़ लेते हैं नेक्स्ट है येलो कैनोला येनो येलो कैनोला का जो गेज होता है वो होता है ट्वेंटी फोर गेज़ लेंथ होती है नाइन्टीन एम एल एम एम एक्सटर्नल डायमीटर होता है जीरो पॉइंट सेवन एम एम फ्लोरेट होता है ट्वेंटी थ्री एम एल पर मिनट जो हम यूज़ करते हैं येलो कैनोला को वो करते हैं यूज़ इन द टोल्डर एज चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स के अंदर जो हम इसका यूज़ लेते हैं टोल्डर एज जो चाइल्ड होते हैं उनके अंदर और इन्फेंट्स के अंदर हम जो यूज़ लेते हैं मेडिकेशन एंड फ्लूड इन्फ्यूजन एंड चाइल्ड के अंदर न्यूनिट एंड पेडेट्रिक जो चाइल्ड्स होते हैं उनके अंदर हमें जो येलो कैनुला का यूज़ लेते हैं नेक्स्ट है पर्पल और वायलेट कैनुला। जो पर्पल कैनुला होता है उसका गेज होता है ट्वेंटी सिक्स गेज लेंथ होती है नाइनटीन एम एक्सटर्नल डायमीटर होता है इसका ज़ीरो पॉइंट फाइव एम एम फ्लो रेट होता है टेन एम एल पर मिनट यूज़ कहाँ पे लेते हैं हम यूज़ लेते हैं यूज़ इन द न्यू बेबी के अंदर लेते हैं और इसका जो हम यूज़ है वो रियरली है हम जो ब्लू कैन ये पर्पल कैनुला और वॉइलेट कैनुला है रियरली हम इसका यूज़ करते हैं तो आज का अपना जो टॉपिक है आई वी यहीं पे जो एंड होता है आप कलर कोडिंग को याद करने के लिए हमारी जो आसान ट्रिक हमने आपको बताई है इसे लर्न करें जिससे कि आपको ईजीली है आप कलर कोडिंग को याद करेंगे और गीज याद रख सकते हैं तो थैंक यू बाय हमारे मेडिकल लाइफ लाइन स्टडी चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटे वाले बटन को जरूर दबा हमारे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले जय जवान जय किसान